ये देखिए चिकन बॉल मैगी है, आप बनाए होंगे कि हमको पता नहीं है, मगर ज़रूर बनाए होंगे तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए। आज वो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। इधर देखिए चिकन बॉल बनाने के लिए इधर हम एक चिकन ब्रेस्ट का यूज़ किया हूँ, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट जो होता है ना उससे आपका जो बॉल बनता है बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है। और इधर देखिए थोड़ा सा चॉप गार्लिक और चॉप जिंजर का यूज़ किया हूँ अब इसमें डाल के, और इसमें थोड़ा सा आपका धनिया पत्ता यूज़ करूँगा और एक ग्रीन चिली। सबको डालकर अब इसको अच्छा तरीके से पूरा चॉप कर लेना है, और इसमें मसाला भी हम यूज़ करूँगा। इसमें क्या होता है ना, पूरा चॉप कर लेंगे ना आपको मसाला भी बराबर मिक्स हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब यकीन मानिए इतना सॉफ्ट और जूसी बॉल बनेगा ना, आप मैगी बनाए खाएंगे तब आप हमको बताएंगे। इसमें डाल देंगे आपका स्वाद अनुसार थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे और थोड़ा पेपर डाल देंगे, और अच्छा तरीका से इसको मिक्स करके चॉप कर लेना है। ये देखिए अब मेरा चॉप हो चुका है। आपको जब चॉप करना है अच्छा तरीका से ध्यान रखना है, पूरा बराबर आपको चॉप करना है, पूरा जैसा चिकन जो है आपका पूरा कीमा हो जाना चाहिए। अब एक बॉल में इसको निकाल लेना है। अब इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून करीब आपका वो मैदा डालेंगे, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और थोड़ा सा आपका अंडा डालेंगे, क्योंकि ये नहीं डालेंगे तो आपको जो है चिकन पूरा खुल जाएगा। इसके लिए इसको पकड़ने के लिए जो होता है अच्छा से बाइटिंग पकड़ ले और बॉल बढ़िया बने, इसके लिए इसको मिक्स करना है और अच्छा तरीका से इसको मिक्स कर लेना है। जैसे पूरा मसाला बहुत ही बढ़िया से मिक्स होना चाहिए। अब इसको छोटे छोटे पीसेस में बनाना है, पूरा राउंड शेप में बॉल बनाना है। और जब भी आप बॉल बनाए हाथ में थोड़ा ऑयल लगा लीजिए, नहीं तो पानी लगा लीजिए, नहीं तो आपको चिकन चिपकेगा। इसके लिए ऐसे राउंड शेप में बॉल बनाइए, छोटे छोटे बॉल बनाइए, जैसा हिसाब से आपको पसंद आए वही हिसाब से बॉल बना लीजिए। पूरा इसको बनाने का बाद में इसको भी फ्री फ्राई करना है, और कैसा फ्राई करना है इसको हम आपको बताऊँगा। देखिए बॉल बन के पूरा रेडी है। अब थोड़ा पैन में आपको बटर लेना है, बटर कम से कम 1 टेबल स्पून करीब भर के लेना है, क्योंकि जो मैगी बनने वाला है ये ओनली बटर से ही बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और टेस्टी बनने वाला है। अब चिकन को क्या करना है, एक एक करके पैन में आपको छोड़ देना है, और इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है, चिकन बॉल को थोड़ा सा गोल्डन कलर जैसे हो जाए, और चारों तरफ इसको अच्छा से पलट के इसको पका लेना है। ये देखिए चिकन बॉल एक एक करके ऐसे पलट देना है, और आपको अच्छा तरीका इसको पकाना है। इसको इतना ज़बरदस्त बनेगा और बहुत ही अच्छा बनता है। आप मैगी तो बहुत टाइप का वीडियो देखे होंगे और खाए भी होंगे, मगर ये जो है एक यूनिक ट्रिक है, आप बना के देखिए, घर का बच्चा जो है बहुत ही पसंद करेगा, सब इसको पसंद करेगा 100% हम बोल रहा हूँ। ये देखिए बॉल बन के रेडी है, कितना सॉफ्ट है और पूरा जूसी है, और कलर भी मस्त हुआ है। अब इसको देखिए एक पैन में थोड़ा सा बटर लेना है, और इसमें थोड़ा सा चॉप गार्लिक यूज़ करेंगे और थोड़ा सा चॉप जिंजर यूज़ करेंगे। चॉप गार्लिक का जो क्वांटिटी है ज़्यादा रखना है, और इसको थोड़ा सा टॉस कर लेना है। जैसे ही थोड़ा हल्का टॉस हो जाए, अब इसमें हम ऐड करूँगा देखिए कटा हुआ प्याज है और थोड़ा सा ग्रीन चिली है। प्याज को बड़ा बड़ा साइज में थोड़ा कट करना है, थोड़ा बारीक चॉप मत कीजिए, थोड़ा बड़ा साइज का कट करना है। अब इसको थोड़ा सा हल्का टॉस करने के बाद में इसमें देखिए टमाटर हम डाल दूंगा। टमाटर जो है इसमें सीड नहीं है, विदाउट सीड वाला है, ऊपर का जो रहता है वो पार्ट हम यूज़ किया हूँ, उसको भी छोटा छोटा पीसेस में कट कर लेना है। अब इसमें हम यूज़ करूँगा देखिए जो मैगी मसाला होता वो भी यूज़ कर लूँगा, और थोड़ा सा चिली पाउडर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा कलर भी आएगा और आपका खाने के लिए थोड़ा स्पाइसी रहेगा और चटपटा भी रहेगा। और थोड़ा सा इसमें बटर डाल के इसको टॉस करना है, क्योंकि मसाला थोड़ा अच्छा तरीका से टॉस होगा तभी उसमें फ्लेवर आएगा। अब इसमें 2 कप का पानी यूज़ करना है और अच्छा तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। जैसे मिक्स हो जाए अब इसमें क्या करना है, 2 पीस मैगी इसमें डाल देंगे, और मैगी को थोड़ा सा पका लेंगे, जैसे मैगी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा नहीं पकाना है, ओवर मैगी ना पकाए, थोड़ा सा हल्का पका लीजिए, और जैसे ही मैगी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए अब इसमें क्या करना है, आपको चिकन बॉल जो है इसको ऐड करना है। ये देखिए मैगी मेरा अच्छा से थोड़ा पक चुका है, आप देख सक रहे होंगे। अब जो चिकन सॉफ्ट जूसी बॉल है अब इसको इसमें ऐड कर देना है। आप घर में एक बार ज़रूर बनाइए। जब आप घर में इस तरह का मैगी बनाएंगे ना, आपको बच्चे लोग ज़रूर पूछेंगे ये आइडिया आपको कहाँ से आया, और इतना टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, और इसमें थोड़ा सा
स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसमें भर के हरा धनिया पत्ता इसमें ऐड करना है और इसको अच्छा तरीका से मिक्स कर लेना है। और इसमें जो एक मसाला डालना है वो है आपका थोड़ा सा गरम मसाला, इसलिए हम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि चिकन है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे तो इसका जो फ्लेवर है पूरा चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, जस्ट खाली थोड़ा फ्लेवर के लिए। अब देखिए हमारा चिकन बॉल मैगी बनकर रेडी है, पूरा यम्मी वाला और क्विक बनने वाला ये रेसिपी है, मगर बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला। और ये रेसिपी को ज़रूर आप घर में बनाइए और ट्राई कीजिए। चिकन बॉल मैगी का रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, आपका फ्रेंड का साथ में शेयर कीजिए। ये देख सक रहे होंगे मैगी कितना अच्छा बना हुआ, पूरा बॉल भी बहुत ज़बरदस्त है। फिर मिलेंगे एक मज़ेदार रेसिपी के साथ में।